ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। मिहिर, इक्विटी फिक्स इनकम दोनों एसेट क्लास में काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। मिहिर, गुड मॉर्निंग। एक वन वे रैली मार्केट में, खास तौर से पिछले एक हफ्ते में, और इस मार्केट ने शायद शॉर्ट्स को ट्रैप किया और उसके बाद इस तरीके का मूव्स। अब क्या ये मार्केट लेकिन थोड़ी सी आपको ओवरबॉट लग रही है, और क्या थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है यहाँ पर? नमस्कार अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड मैं कहूंगा कि स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल, अभी भी मैं कहूंगा कि जो निफ्टी 50 है फॉर एग्जांपल, उसके अगर एग्रीगेट वैल्यूएशन की बात करें तो इतने एक्सपेंसिव नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो अगेन इंडेक्स लेवल पे अगर देखें तो वहां पे जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी सुपीरियर है। पी रेशियो वगैरह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसको अगर हम ग्रोथ के लिए एडजस्ट करें तो इतना महंगा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से एक अभी भी माहौल ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमी ठीक कर रही है, यूएस खास करके बहुत ही स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है। इंडियन इकोनॉमी तो ऑफकोर्स एक्सपेक्ट कर ही दें कि अच्छा करेगी। इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी है वो पास्ट है, और अब नेक्स्ट एक महीने के लिए लोग मेरे ख्याल से बजट को लुक फॉरवर्ड करेंगे, होपफुली विद अ फ्यू मोर पॉजिटिव अनाउंसमेंट, बॉडी लैंग्वेज फिनेंस मिनिस्टर की देखेंगे वगैरह। तो मेरे ख्याल से देयर आर इनफ फैक्टर्स जिससे माहौल ऐसा पॉजिटिव रह सकता है। ऑफकोर्स वैल्यूएशन हमको स्टॉक बाय स्टॉक देखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी वैल्यू अवेलेबल है। एक साल के पहले के कंपैरिजन में कहूंगा तो स्टॉक पिकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो केयरफुली सिलेक्टिवली क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम काम करें तो अभी भी काम हो सकता है। ओके, बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल आज का जो बिग न्यूज था उसके ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर बड़ा पैसा बनाया यहाँ पिछले 3 महीने में, अब लेकिन टैरिफ हाइक्स क्लियरली विजिबल हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन क्या इस सेक्टर में आगे पैसा बनेगा? पॉसिबल है, मुझे लग रहा है कि ये जो एक अनसर्टेनिटी थी कि हाइक होगी नहीं होगी कब होगी, तो दैट इज पास्ट अस, और सेक्टर मेरे ख्याल से अभी एक स्टेबल सेक्टर बन गया है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है ये मुझे मेरे ख्याल से एक कंज्यूमर टाइप ऑफ सेक्टर बन गया है विथ अ स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी विजिबिलिटी। ये जो इवेंट था शायद एक्सपेक्टेशन के थोड़े महीने पहले आ गया, तो विच इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव, बट आई वुड से दैट नाउ वी शुड कंसिडर टेलीकॉम एज अ स्टेबल सेक्टर। ऐसा ये सेक्टर 35% या 40% अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि अर्निंग्स 0% ग्रो करेंगे। तो एक मैं कहूंगा जैसे हम FMCG को ट्रीट करते हैं, जैसे यू नो नॉर्मल मैच्योर इंडस्ट्रीज को ट्रीट करते हैं, उस तरह से ये सेक्टर ग्रो करेगा। एंड ऑफकोर्स विथ कॉर्पोरेट डेटा एक्सेट्रा यूजेज वगैरह, तो एक एडिशनल ट्रिगर, तो मेरे ख्याल से एक मार्केट परफॉर्मर सेक्टर ये डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा महेश जी, जैसे कि अभी अनुज ने जो प्रश्न पूछा टेलीकॉम टैरिफ हैक और उसका इम्पैक्ट, आपने उस पर अपनी राय रखी। जब आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सेंसिबल होके अगर पैसा और स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाए तो पैसा बन सकता है, उस कड़ी में आप कल के सेक्टर यानी सीमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ पर जो M&A एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल आई थिंक अल्ट्राटेक ने अब इंडिया सीमेंट्स पर दाव खेला, अब एग्जैक्टली वो कंप्लीट बायआउट के लिए जाएंगे या फिर उन्होंने सिर्फ एक चंक ब्लॉक किया है, इसके बारे में अभी तक आई थिंक ये तो भविष्य में ही क्लियर होगा, पर आपका सीमेंट पे सेंस क्या है इस वक्त, क्योंकि ज्यादातर स्क्रिप्ट जो हैं और स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीमेंट पे मेरा व्यू ये है कि ये कंसोलिडेशन की जो थीम है वो बहुत सालों से हम देख रहे हैं और होप कर रहे हैं, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन या जिस स्पीड से कंसोलिडेशन होनी है वो स्पीड से नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि डील्स हो रही है लेकिन साल में एक छोटी सी डील होती है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कोई बड़ा कंसोलिडेशन सेक्टर में नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द वन बिग वन दैट हैपेंड 2 years ago, जिसमें एक बड़े बिजनेस हाउस ने जो कंसोलिडेट किया वो एक बड़ा मूव था, लेकिन उसके अलावा छोटी कंपनीज मर्जिंग इनटू लार्जर कंपनीज कम पेस पे हुआ है, क्योंकि कैसे भी करके जो प्राइसिंग पावर है तो बेसिक मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी में इवन स्मॉलर यूनिट्स आर वर्किंग। तो मैं सीमेंट सेक्टर को अभी भी एक कमोडिटी सेक्टर की तरह ही ट्रीट करूंगा, और मैं इसमें प्राइसिंग पावर का बेट नहीं लेके उसको वॉल्यूम ग्रोथ का जो जहां पे ज्यादा स्कोप है उस तरह से कंपनीज पिक करेंगे। तो जो कंपनीज ने अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑर्गेनिकली अनाउंस की है वो हमारे ज्यादा प्रेफरेंस में रहेगी कंपेयर टू यू नो कंपनीज वेयर वी थिंक
प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम ज्यादा देखें तो मेरे ख्याल से मार्जिन स्टेबल अज्यूम करें, ऐसा कोई बड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट की होप ना हो, तो फिर जहां पे कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस की है वो हमारी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है, तो वी वुड गो फॉर वॉल्यूम ग्रोथ रादर देन मार्जिन एक्सपेंशन। ओके, चलिए, तो ये दो मापदंड और आपने सीमेंट बता दिए जिसके आधार पे आप स्टॉक्स पिक करेंगे। अच्छा सर, वो स्पेस में है सर जहाँ पे आप थोड़े से आप अनकंफर्टेबल हैं हालिया मूव के बाद, स्पेशली आई थिंक लास्ट 6 महीने में। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो HFCs हो, चाहे वो रियल स्टेट एंसिलरी हो। आपके अनुमान के मुताबिक इस अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले अपने फेयर वैल्यूएशन से क्या ऊपर ट्रेड कर रहा है इस पर, जिसको थोड़ा सा आप अवॉइड कैटेगरी में रख के चल रहे हैं? तो देखिए, अभी मैं कहूंगा कि जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स थे उसमें काफी अच्छे मूव्स आ चुके हैं लास्ट पिछले 1 साल में 6 महीने में। तो उसमें मैं कहूंगा कि स्टॉक पिकिंग 6 महीने के पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। अभी हमारा डायलेमा यह है कि प्रॉब्लम यह है कि पजल यह है कि जहां पे बेस्ट ग्रोथ हमें दिख रही है नेक्स्ट 3-5 साल 10 साल के लिए, उसके अब वैल्यूएशन भी कैचअप अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टॉक पिकिंग पहले के हिसाब से थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, वो ये क्लासिक एग्जाम्पल है। सो मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से जो यूनिवर्स है शायद थोड़ा श्रिंक हो गया है, तो उसकी वजह से हम जो है ज्यादा सिलेक्टिव रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि काफी सारे जो स्टॉक्स थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक थे, कैपिटल गुड्स लिंक थे, उसमें एक बड़ी रन आई है, तो उसमें अभी ज्यादा सिलेक्टिव होने का स्कोप है। बट वही सेक्टर में अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो सेगमेंट्स है उसमें वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबली एक्सपेंसिव है, तो मे बी वी कैन फोकस विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर थीम ऑल्सो, देर आर डिफरेंट वेज वी कैन फोकस। आउटसोर्सिंग की जो थीम है इंडिया से, एक्सपोर्ट्स, आउटसोर्सिंग, इंडिजिनाइजेशन, वो थीम मेरे ख्याल से अभी भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं हुई है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आज के भी या FY25 FY26 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हाई भी दिखते हैं तो हम उसको लुक थ्रू करके बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम एक्सपेंसिव जो है वैल्यूएशंस, करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से, करंट ईयर के हिसाब से उसको हम इग्नोर करके लॉन्गर टर्म व्यू लेके चल सकते हैं। मैं कॉशियस रहूंगा सेगमेंट जहां पे, या तो एक वॉच लिस्ट पे रहूंगा सेगमेंट जहां पे विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इतनी क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने FMCG की बात की तो मॉनसून की अनसर्टेनिटी चल रही है और अभी भी ऐसे कोई बड़े आसार नहीं है कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। ये सेगमेंट काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में अब अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन जो ट्रिगर होना चाहिए उसकी हम वेट कर रहे हैं। तो FMCG है, ग्लोबल कमोडिटीज हैं, एनर्जी स्टॉक्स हैं, मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग वगैरह है, जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं और यहाँ पे लोकल सेक्टर्स है जहां पे लोअर एंड कंजम्पशन में पिकअप की वेट करना है, वो सेक्टर्स हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, थोड़े कॉशियस रहेंगे, ट्रिगर्स की वेट करेंगे उसके, न कि हम वैल्यू बाइंग करें उसमें। अगर वैल्यू तो है ही, लेकिन एक अर्निंग्स विजिबिलिटी आ जाए उसके बाद हम उसको देखेंगे। मेहर जी, अब कुछ ही दिनों में हम अर्निंग सीजन में आ जाएंगे और IT ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। लार्ज कैप IT ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है पिछले कुछ टाइम में, एटलीस्ट स्टॉक वाइज, भले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रही हो। अब यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, IT में व्यू वही है कि जो प्लेन वनीला कमोडिटी IT कंपनीज है उसमें विजिबिलिटी 5-10% से ज्यादा ग्रोथ की तो नहीं दिख रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने गाइड किया है सिंगल डिजिट में या तो वेरी लो डबल डिजिट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो IT में हमारा प्रेफरेंस अभी भी मोस्टली मिड कैप और सिलेक्टिव बिजनेस मॉडल्स पे है रादर देन द बिग ब्रश। हाँ, लास्ट 1 महीने में जो हमने एक अप मूव देखा है, एक तरह से हम कह सकते हैं US मार्केट की तेजी की वजह से थोड़ा पिकअप तो होता ही है क्योंकि सारे कस्टमर्स, मेजोरिटी कस्टमर्स जो हैं वो US के हैं, तो एक रीजन वो है कि US मार्केट नैसडेक चला है तो एक कैचअप ट्रेड होगा, और दूसरा हमारा भी मार्केट बाकी सब सेक्टर्स चले तो थोड़ा कैचअप वैल्यूएशन में वहां भी हुआ है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल गाइडेंस में, एक्चुअल रिजल्ट्स में कोई इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं। पिछले 2-3 क्वार्टर्स हम देखें तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि बड़ी ऑर्डर बुक में एक पुश मिला है या कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में कोई चेंज आया है, तो बिजनेस एज यूजुअल है। ये मैं कहूंगा एक स्टेडी मीडियम ग्रोथ काइंड ऑफ सेक्टर रहेगा, बट
मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो देर आर कंपनीज जो अपनी अपनी नीच में अच्छा कर रही हैं, तो हमारा फोकस ज्यादा वही रहता है। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम अभी भी अंडरवेट हैं। ओके, लार्ज कैप में अभी भी अंडरवेट हैं। ऑटोमोबाइल में बहुत शानदार मूव्स आए हैं मेहर जी, चाहे कोई भी पॉकेट हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पर क्या अभी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और क्या ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पर? ऑटोमोबाइल्स में हमारा पोजीशन ओवरवेट रहा है अभी तक, तो पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि हमारे फंड की लाइफ ही उतनी थी, लेकिन अब हम, मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा, तो हम ऐड नहीं कर रहे पोजीशंस को। एंड जो ऑटो है और ऑटो एंसिल स्टॉक्स हैं उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन तो ओवरवेट है, लेकिन उससे ज्यादा ओवरवेट जाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी विल सी के मानसून का जो प्रोग्रेस है, खास करके उसकी उसकी क्या इम्पैक्ट आती है। There are some indications के some pockets, for example, car वगैरह में थोड़ी inventory buildup हो रही है, तो वो सब एक हम wait and watch attitude ले रहे हैं। अभी भी position तो overweight है, लेकिन wait and watch कर रहे हैं। अच्छा महेश सर, ये commodities में आपका interest कितना है इस वक्त, और specially ये जो chemical space में move आने शुरू हुए थे, specially I think second half of June में, आपने कुछ गौर फरमाया उसमें? आपका इंटरेस्ट है इस वक्त, कुछ एडिशन किया है आप लोगों ने यहाँ पर? जो कमोडिटीज में, ग्लोबल कमोडिटीज को छोड़ दें, जैसे हमने बात किया ग्लोबल कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, वहां तो हम अंडरवेट ही हैं। जो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग वाली जो थीम्स हैं, उसमें मैं स्ट्रक्चरली तो पॉजिटिव हूँ। हम लोग बस यही टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना की ओवरहैंग थी वो अब कम हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल्स में हम अगेन मार्जिन इंप्रूवमेंट का प्ले नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम इंप्रूवमेंट का प्ले करेंगे, क्योंकि पिछले 4-3 साल में काफी सारी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज इन द स्पेशलिटी केमिकल स्पेस ने अच्छे अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन अनाउंस किए हैं। तो जो जैसे जैसे वो कैपेसिटीज ऑनलाइन आएंगी, वी विल सी टॉप लाइन ग्रोथ, वी विल सी बॉटम लाइन ग्रोथ, तो जहां जहां हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देखेंगे वहां हमारी प्रेफरेंस रहेगी। और मैंने, देयर आर मेनी कंपनीज जिन्होंने काफी अच्छी कैपेसिटीज बढ़ाई हैं, उसमें एक ही रिस्क होता है कि जब कैपेसिटीज आती हैं तो स्टार्टिंग में फुली यूटिलाइज नहीं होती है, तो थोड़े क्वार्टर्स एक मार्जिन का ड्रैग हो सकता है, तो वो सब कैलकुलेट करके एक बेटर टाइमिंग हो सकती है। बट अगर मैं 5 साल का व्यू लेके चलूं, 3 साल का व्यू लेके चलूं, तो काफी अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कैपेसिटीज नो अनाउंस की हैं, तो ये सेगमेंट डेफिनेटली हम नेक्स्ट 2-4 quarters में हमें हमारा एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे इसमें। अच्छा महेश सर, एक और स्पेस, मतलब टाइम वाइज भी जहाँ पे बहुत सारी चीजें घटित हुई, मैं आपको कुछ देर के लिए वाइट गुड्स सेगमेंट पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाऊँ। वहाँ पे आपके पास डिक्सन था और डिक्सन की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि पूछिए मत, मेरे ख्याल से mid-23 के बाद एक वर्टिकल राइज, बट एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था इनकी प्राइस परफॉर्मेंस में और एक टिपिकल वाइट गुड सेगमेंट वाली कंपनियों में, हैवल्स में, वोल्टास में, लेकिन इस बार वो भी जो डिफरेंशियल था पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि वोल्टास ने डिलीवर किया, हैवल्स ने भी। क्या यहाँ पर अब रीजनेबल प्रॉफिट्स बन चुके हैं आपके मुताबिक? क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? सर्टनली। सो हमारी जो प्रेफरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग पे ज्यादा है कंपेयर टू द प्योर वाइट गुड सेगमेंट। प्योर वाइट गुड सेगमेंट में क्या हुआ है कि जो समर थी वो काफी हार्श थी, और उसकी वजह से खास करके एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन वाले जो सेगमेंट्स थे उसमें डिमांड बेटर देन एक्सपेक्टेड आई थी, और थोड़ी पेंट अप डिमांड भी थी, तो मेरे ख्याल से ये एक समर काइंड ऑफ सीजनल प्ले था। हाँ, स्ट्रक्चरली हमारी पेनिट्रेशन तो कमी है एयर कंडीशनिंग, हम हमारा जो पेनिट्रेशन है वो चाइना से कंपेयर करें या कोई भी डेवलपिंग मार्केट से कंपेयर करें तो पेनिट्रेशन तो कमी है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो है ही, बट ये काफी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट था तो मार्जिन नहीं दिख रहे थे। ये समर में क्या हुआ कि सडनली इतनी ज्यादा डिमांड आ गई गर्मी की वजह से कि सबकी कैपेसिटीज बिक गई, और एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी शायद हमें देखेंगे, बट ये सस्टेन होगा क्या रेट पे सस्टेन होगा वो हमें देखना है। बट हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग की बात करें तो वहां तो द स्काई इज द लिमिट, क्योंकि न सिर्फ हम डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं डिमांड की, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, तो वहां तो मेरे ख्याल से जो प्रेफरेंस है वो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल कॉल लेके हम चल रहे हैं। तो
जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्लेस हैं उसमें हमारा व्यू ज्यादा लॉन्ग टर्म है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले प्लेस हैं उसमें हम मोर मोर टैक्टिकल कॉल्स देके चलते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स पर और मार्केट्स पर।